भारत की लाइफलाइन रेलवे को कहा जाता रहा है। दुनिया में सबसे बड़ा जाल भारतीय रेलवे को माना जाता है, जो तमाम राज्यों के दूरदराज इलाकों तक फैला है। दूरदराज तक रेलवे के कई रेलवे स्टेशनों के बीच एक ऐसा रेलवे स्टेशन झारखंड में है, जिसकी कहानी बेहद दिलचस्प है। अंग्रेजों के जमाने में बने दिलवा रेलवे स्टेशन की सबसे खास बात यह है कि अब यह दो राज्यों का एकदम बीच में है, यानी कि इस रेलवे स्टेशन का एक ट्रैक झारखंड में है तो वही दूसरा ट्रैक बिहार की सीमा में लगता है। इस दिलवा रेलवे स्टेशन से बिहार और झारखंड की सीमा एक दूसरे से लगती है और बिछड़ भी जाती है। इस विचित्रता से एक आकर्षण तो पैदा होता ही है, वहीं दूसरी तरफ कई परेशानियां भी पेश आती है। दिलवा स्टेशन से गुजरने वाले अप एंड डाउन रेलवे लाइन दो राज्यों के बीच बढ़ती है। गया की ओर से आने वाले यात्री जब इस रेलवे स्टेशन पर उतरते हैं तो उनके कदम बिहार में ही रहता है, लेकिन अगर आप धनबाद की ओर से आते हैं तो आपके पांव झारखंड की सीमा में उतरते हैं। यहां तक होता है कि इस रेलवे स्टेशन पर 5 कदम चलने से ही राज्यों की सीमा और उसके नाम बदल जाते हैं, और इसी स्थिति के मद्देनजर रखते हुए कभी यहाँ पर कोई घटना हो जाए तो दो राज्यों की पुलिस के बीच अक्सर कंफ्यूजन हो जाता है। सीमा विवाद के कारण कभी पुलिस यहाँ नहीं पहुँचती तो कभी कभी एक ही घटना को लेकर दो राज्यों की पुलिस पहुँच जाती है। दिलवा रेलवे स्टेशन के एक छोर पर कोडरमा जिले के चंदवारा प्रखंड की पंचायत लगती है, जबकि दूसरे छोर पर बिहार का रजौली अनुमंडल लगता है। बिहार से झारखंड सन 2000 में अलग हो गया था, लेकिन बंटवारे के बाद भी दो राज्यों के सीमावर्ती इलाके पर बने इस रेलवे स्टेशन का कोई अलगाव नहीं कर सका, और ये रेलवे स्टेशन एक साझेदारी को दर्शाता है। क्या आप इस रेलवे स्टेशन से कभी गुजरे हैं, या फिर इसके बारे में आपको पहले से जानकारी थी, तो हमें वीडियो के नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। और इसी प्रकार के रोचक जानकारी पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे भी प्रेस कर लें।